जैसा अन्न तैसा मन, जिहो जा अन्न तुसी खादे ना ओही जा मन, ते ओदा प्रभाव के मन ओही जा बन जू। खास करके जरा कोई बाणी पढ़ता है, नाम जपता है, उहदे लई तां अन्न ते पूरा कंट्रोल है। उहनूं तां समझ सोच के अन्न खाना चाहिए। जे किसे गलत मल दा घर दा अन्न खा लूनूं, बस कराया कराया उहदा जप तप बाणी पढ़ी सब खत्म। जरा कोई मन दा टिका है जां कोई अवस्था बनी है, कोई रस आ रहा है, मस्ती आ रही है, बस एहो जिहा अन्न खाधा नहीं ते सब कुछ गया नहीं। एक बाहरले देश तों कोई इस राय नाम जपण वाला सी, किसे दा बिल कर करदा उह नहीं खांदा सी, अपनी हक सर्दी कमाई करके खांदा, ब्याह शादियां च चलिया जांदा सी, पर प्रशादा आके अपने घर दा उहने छकणा, वो गलत मलत नहीं खांदा सी। ते नाम बाणी भी जुड़िया ते मन उहदा टिका विच रहिंदा सी। एक वारी उहदा कोई दोस्त लै गया किसे दे ब्याह शादी दे समें विच, ते उहने कहा भी चलो माड़ा मोटा दो बुरकियां तूं भी ला लै, अज बाकी खाई जांदे ऐ, तैनूं की दो बुरकियां नूं हुंदा ऐ। ओह कमाई इहो जिही सी, दो बुरकियां लाईआं नहीं ते सारा कुछ करिया कराया सुआह होया नहीं। उही हाल हो गया जिहो जिहा पहला सी, ना मन टिके, ना रस आवे, ना कोई मस्ती आवे। फिर बन गई भाड़ी, विआह की हो गया एकदम, क्यों सारा ही खड़ गया। किसे आपे सिमरन हो ही जाता सी, आपे बाणी चली जाती सी। हुण जतन करन तो बाद भी फिर बहुत व्याकल है, जिहड़े कोई बाणी पढ़न वाले सिंघ आ उहनां नूं पुछदा दसदा वी आ मेरा सिमरन चलदा सी, रस आउंदा सी, वी हुण एकदम खड़ गया, मैनूं कारण दा नहीं पता चलदा वी की है। वो कहते भी ये जी गल है ना, ये तो जरा सत पुरश है, जरा चंगी अवस्था वाला उच्ची अवस्था वाला महापुरख हो जसूगा, बाकी नहीं अग्ञानी ध्यानी कोई दस सकते तेन। कहते भी कोई है? फिर वो कहते हाँ एक है गए अपने मालवे इलाके संत ज्ञानी मोहन सिंह जी, वो पिंडरा बैठे है, वो ये तेरी गल का निर्णय कर सकते, वो अवस्था वाले पुरुष है। रोजनो चल के इधर आया, आके सारी गलबात दसी भी महाराज मैं उम्र छकिया सी, इस तरह पंजा प्यारे ने मैंने सारा कुछ दस्या सी भी हक सच की कमाई करनी है, गलत मत अन्न नहीं खाना है, गलत मत प्रसाद नहीं छकना है, जिन्हां नूं आ होर देवी देवत्यां दे भोग जे लगे होण, अल्लाह अल्लाह लूला वाले दा कोई टुक जा, होर जिहड़े अबेहे जे चौल है बिहा जा कड़ा लड्डू जे हनुमान दे तूं नहीं खाणे है, ना तां मारा भी कोई खाधा ना जाए, सब कुछ ही छड़दा ही घर दे घर छकदा छकाउंदा सी, ब्याह शादियां ते जांदा कोई घर, ते पता नहीं मारा भी एकदम पठा बैठ गया। फिर जिवें महात्मा उन्हों का ख्याल यह जी है भी वह बहुत गुप्त जहा रखते ने, भी छेती छेती अगले पता नहीं लगन देते भी इन्हों पता है, वो इधर नहीं आदि गल करेगी भी ए भी खड़ जाता है, भी खड़ जाता, कहते नहीं जी ए तो नहीं। अखीर से आके फिर गल कही जी सी, कहते भी कई बार गलत मलत घर का अन्न पानी भी खा लिए, जी कमाई गलत मलत है जे वह भी खा लिए फिर भी पुठा बह जाता है, फिर ऐसा तो नहीं कर बैठा, फिर झट उन्हें चेते आया, कहना हाँ जी हूँ मैंने याद थोड़े कहने आ गई, और मेरे दोस्त ने जबरदस्ती मैंने दो बुरकियों खुवाती सी, हूँ मैंने पूरा चेते है भी उत्थे ही पुठा बैठा है। कहना चलो हूँ ये तो मारा वो करके गलती भुल हो गई, हूँ चले किवें? पहला तो कहते भी उत्थे कनेडे च हैगा एक अपना संप्रदा का ज्ञानी ध्यानी, वह सिमरन चलता है, वह भी नाम बाणी जुड़िया मन टिका है, वो तो तू अरदास करा ली,
तो चल पूगा। फिर कहना नहीं, फिर तेरा चल पे और ना बेचारे का खड़ दे तेरी अरदास ना। महाराज दसो कहते भी तू पंज प्यारे दे पेश हो जाए। पंज प्यारे अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब आप निवास कर दिए। सिख पंचन में मोरो बादशाह महाराज ने कहा जिते पंज त्यार पर त्यार होंगे उत्थे साडा निवास होगा। वो फिर पंजा तो जो पुछेगा फिर जो पंज कहे महाराज वालों तेन कहा जाया होगा। फिर महाराज उन्होंने देर बस अंदर होंगे वो महाराज कहे तू भी आओ कर ला। फिर महाराज से तो कोई असर पैदा ही नहीं है, बाकिया से पै पू जाता है। तू भी पंज प्यार दे पेश हो जाए उतो तनखा लवा लेंगे अगे वास्ते सतर्क रही। जरा खाना पीना गलत मल जाए तो पुट्ठा बिठा दिता सारा कराया कराया जप तप सब नाश करके रख दिता। जेडे सियाने सूझवान है वो बहुत इस पासों सावधान रहते हैं। बाकी अगर की लगता जी की लगता है जो लगता ना पुट्ठा बहुत फिर पता चल।